विश्व जन कल्याण एवं सर्व मनोकामना पूर्ति हेतु नैतिक विकास शोध संस्थान सेवा ट्रस्ट प्रयाग के तत्वाधान में जारी अनंत पार्थिव शिवलिंग निर्माण महायज्ञ आज दूसरे दिन भी प्रयाग के गौरवमयी संतों के आशीर्वाद एवं सानिध्य में लगातार जारी रहा। श्री कृपा सिंधु हनुमान मंदिर त्रिवेणी बांध पर आज भक्तों ने 31,000 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण एवं अभिषेक किया। जो भी महिला पुरुष भक्तगण यहां पर उपस्थित होते हैं, मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग को बनाते हैं और अपनी मनोकामना ओम नमः शिवाय कहते हुए अपनी मनोकामना को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक होता है। पंडित पवन जी आचार्य जो हमारे हैं इस संस्था के, उनके द्वारा अभिषेक कराया जाता है, आरती होती है। प्रतिदिन यहाँ पर प्रयाग के संत विद्वत संतजन उपस्थित होते हैं, तमाम भक्तगण उपस्थित होते हैं। हम लोग इसको विश्व जन कल्याण की कामना को लेकर के, माँ गंगा के निर्मलीकरण को लेकर के और तमाम जो हमारी हमारे राष्ट्र पर आपदा है उसको उसके समापन को लेकर के इस यज्ञ को 2012 से अनवरत संगम के तट पे माँ गंगा की गोद में हम लोग करते हैं। भगवान भोलेनाथ अहित की कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर, इसी कामना को लेकर के हम लोग उनकी ये पूजन अर्चन और ये अनुष्ठान कर रहे हैं। देखिए, ये नैतिक विकास शोध संस्थान सेवा ट्रस्ट है जो विगत लगभग 12 वर्षों से पार्थिव शिवलिंग का यहाँ निर्माण कर रहे हैं। संगम के क्षेत्र में एक यही एक संस्थान है जो पार्थिव शिवलिंग का पूरे श्रावण मास पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा के, असंख्य शिवलिंग का, संख्या निर्धारित नहीं है। जो शिवलिंग की बड़ी महिमा है, कोई एक बार भी भूल से मिट्टी के जो पार्थिव शिवलिंग बना के और गंगा जल चढ़ा दें तो हजार गुणा पुण्यदायी है। और यहाँ तो निरंतर हो रहा है, प्रयाग की पावन धरती पर स्वयं प्रयागराज तीर्थ जो कहा जाता है, तो इसका बड़ा महत्व है। और साथ में रुद्राभिषेक भी रोज़ अनवरत चल रहा है। तो एक मास तक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो करके और एक मास तक निरंतर रुद्राभिषेक होगा और अंतिम दिन पूर्णिमा के दिन, श्रावण मास पूर्णिमा के दिन इसकी पूर्णा होती होगी और ब्राह्मण भोज होगा। यज्ञ स्थल पर शिवपुराण की कथा का अमृतपान कराते हुए ज्योतिषाचार्य जितेंद्र तिवारी शांडिल्य महाराज ने कहा कि सावन का यह माह भगवान शिव को अति प्रिय है। इस मास में जो भी भक्त अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण कर अभिषेक करते हैं, उनकी सर्व मनोकामना पूर्ण हो जाती है। श्रावण मास में एक सरल पूजा है भोलेनाथ की। जैसे बहुत से लोग गरीब हैं, पूजन नहीं कर पा रहे हैं बहुत, तो पार्थिव शिवलिंग में यहाँ आए और शिवलिंग बनाएं, 1, 7, 11, 21 जो भी संभव हो और विधिवत पूजन कर दें, उनको पूरे श्रावण मास का लाभ मिल जाएगा, भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद। श्रावण मास चूँकि भोलेनाथ का प्रिय मास कहा जाता है तो ये विशेष लाभ होगा। शिवलिंग बालू का है या किसी मतलब मिट्टी का है? नहीं, ये मिट्टी का है, ये मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग। हाँ, हाँ, संगम की मिट्टी का। कितने बने शिवलिंग छोटे-छोटे? इसकी संख्या निर्धारित नहीं है, ये आयोजक जी बताएंगे। लेकिन ये है कि असंख्य शिवलिंग जो भी भक्त आते हैं यहाँ बनाते हैं और आप देख रहे हैं अभी रुद्राभिषेक हुआ, शाम को रोज विसर्जन।